हो गया किसी वस्तु के वे दोलन जिन पर बाह्य बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इन्हें मुक्त दोलन कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से मुक्त दोलन करने वालों की ऊर्जा नियत रहती है। अच्छा बताओ मुक्त दोलन का मतलब जानते हो? गति कर रहा है तो करता रहेगा बस, क्या बाहरी से बल लगाएंगे कौन, मन के ऊपर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कभी आप देखे होंगे कि यदि घड़ी है, घड़ी के अंदर सरलोलक है, पेंडुलम है, और गति करा छोड़ दो तो गति करता ही रहता है हमेशा। मुक्त दोलन का मतलब है कि उसके ऊपर कोई बल का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, वो दोलन करता ही रहेगा। एक बार दोलन करा के छोड़ दिए, दोलन करता ही रहता है, तो उसी के हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त दोलन। अच्छा एक कोई भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुक्त दोलन की ऊर्जा नियत रहती है कि बदलती रहती है, तो याद कर लेना है कि सैद्धांतिक रूप से, माने अगर सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से मुक्त दोलन करने वाले की ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। उदाहरण में स्वरित्र की कंपन और सरलोल की कंपन, माने अपने आप गति करता है। उस पर कहीं क्या लिखा गया, सरलोल की गति लिख लो, हो गया, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।